आज हम लोग बात करने वाले इजी डब्ल्यू पी जो कि एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है उसके रिव्यू के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले नेमचीप की तरफ से आने वाली मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में जिसका नाम है इजी डब्ल्यू पी। ये इनकी शेयर्ड होस्टिंग से अलग होती है, ये एक सेपरेट प्रोडक्ट ही है ऑल टुगेदर। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज नहीं है, यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट ही डिफरेंट है ए टू जेड। यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट है, सर्वर से लेकर के इंटरफेस से लेकर के फंक्शनैलिटी से लेकर के पूरा यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। नेमचीप शेयर्ड होस्टिंग का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में जो कि नेमचीप की तरफ से आती है जिसका नाम है इजी डब्ल्यू पी। अब मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक साल से, मैंने इसका लास्ट ईयर भी रिव्यू किया था। एंड आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अच्छे चेंजेस हैं, क्या बुरे चेंजेस हैं, क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए, करना चाहिए तो किसको कंसिडर करना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो नेमचीप यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है डोमेन नेम्स के लिए, बट धीरे धीरे लोग काफ़ी सारे फील्ड्स में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो जाए, SSL हो जाए या फिर वेब होस्टिंग हो जाए, वो धीरे धीरे यहाँ पर हर फील्ड में एंटर कर रहे हैं। अब इसके ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो जैसे यहाँ पर आप लोग लॉगिन करोगे आपको इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, काफ़ी ईजी टू यूज़ और सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको लॉगिन करना है तो डब्ल्यू पी एडमिन पे क्लिक करो, मैनेज करनी है वेबसाइट तो मैनेज पे क्लिक करो, ये आपकी वेबसाइट का रहा URL और ये यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, आपको डिलीट करना है कि रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक कर देता हूँ, मैनेज पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मेरे वाले प्लान में यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है विच इज़ बैड। फिर यहाँ पे बैकअप्स वगैरह अगर आपको मैनेज करना है तो वो देख सकते हैं, फाइल डेटाबेस इंटीग्रेशन से यहाँ पे कुछ, तो काफ़ी क्लीन और सिंपल टू यूज़ इंटरफेस है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी आपको नहीं देखने को मिलती है लेकिन काफ़ी ईजी टू यूज़ है। वेबसाइट की बात करूं तो ये रही मेरी वेबसाइट, ये मैंने यहाँ पर बनाई है ओशन डब्ल्यू पी थीम के ऊपर, जिम टेम्पलेट का यूज़ किया है, एलिमेंट और बेस्ड यहाँ पर ये थीम है। कैश अप लगिन जो बाय डिफॉल्ट आता है वही है और कोई यहाँ पे कैश अप लगिन नहीं यूज़ किया है, कोई यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग नहीं करी है मैंने। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे सर्वर्स US के हैं तो US पे यहाँ पे कम टाइम है एंड मुंबई आते आते यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे US पे स्पीड मिली है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, वहाँ यहाँ पे अराउंड 1 सेकंड की मुझे स्पीड देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगेन यहाँ पे US के सर्वर्स हैं तो अच्छे प्राइस पे यहाँ पर अच्छी स्पीड मुझे देखने को मिली है इजी डब्ल्यू पी के ऊपर। एंड यहाँ पर अगर मैं बैंगलोर से देखता हूँ तो बैंगलोर से मुझे थोड़ी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, 3.33 सेकेंड्स है। यूजुअली 4 सेकेंड के ऊपर चला जाता है अगर हमारा सर्वर US में हो तो, लेकिन 4 सेकेंड के अंदर रखा है इसने तो दैट्स गुड, अच्छी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे अपटाइम की बात करूँ तो अपटाइम यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 316 डेज से लेकर के मुझे यहाँ पे अपटाइम मिला है 99.94% का, अच्छा है लेकिन ये थोड़ा और बेटर यहाँ पर हो सकता था। 99.94 इज़ डिसेंट लेकिन थोड़ा और यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता था। और अगर मैं पिछले महीने की बात करूँ तो पिछले महीने यहाँ पे 99.99 था जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको डिटेल्ड अपटाइम डेटा मिल जाएगा मेरे ब्लॉग के ऊपर, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट अपटाइम डेटा देखना है तो आप लोग मेरा ब्लॉग जाके नीचे पढ़ सकते हैं। लोड टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स भेजे, US से ही भेजे और यहाँ पर अराउंड 7500 रिक्वेस्ट करी गई और सरप्राइजिंगली यहाँ पर 7452 रिक्वेस्ट फेल हो गई विच इज़ वेरी बैड। मतलब इतना बेकार लोड टेस्ट का रिजल्ट शायद से मैंने कहीं और देखा होगा कि इतनी सारी रिक्वेस्ट ही फेल कर दी। और एवरेज रिस्पांस टाइम भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया था, सिर्फ 21 शायद से एक टाइम पे भेज पाया था ये रहा, ठीक है। तो लोड टेस्ट यहाँ पर कुछ खास नहीं अच्छा रहा है, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट फेल कर दी है यहाँ पर, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसका यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया था तो लोड को ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा है अच्छे से। 10 यूज़र्स तक आई थिंक ये कर लेगा बट 10 के 5-6 ठीक है, 10-20 तक ये कर लेगा बट सर्वर रिस्पांस टाइम यहाँ पर, एवरेज रिस्पांस टाइम यहाँ पर बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पर लोड हैंडलिंग अच्छी नहीं हुई है मेरे प्लान के ऊपर। कैश की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कैश प्लगइन देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 लेवल की एडवांस कैशिंग है, वार्निश, शोपी कैश, रेडिस कैश, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है इनके कैश प्लगइन के ऊपर। और इसको आप लोग यहाँ से एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, फाइन ट्यून वगैरह नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है क्लियर कैश का, और कोई भी यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है इसको फाइन ट्यून करने का या फिर देखने का या फिर इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल करने का, या बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड ही रहेगा। तो ईजी है लेकिन आप लोग इसको फाइन ट्यून नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये जो इनका प्लगइन है बहुत सारे प्लगइन्स को यहाँ पे ब्लॉक करके रखता है क्योंकि ये इसके जो बिहेवियर है उसमें इंटरफेस करते हैं, इंटरफेयर करते हैं,
प्लस यहाँ पर जितने भी आपको कैशे प्लगइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि रॉकेट, डब्ल्यू पी रॉकेट हो गया, या फिर सुपर कैशे हो गया, या फिर जितने भी डब्ल्यू थ्री टोटल कैशे हो गया, ये जितने भी आपको कैश प्लगइन्स देखने को मिलते हैं, ये उन सबको यहाँ पे ब्लॉक करके रखता है। तो आप लोग यहाँ पर अपना भी कोई कैश प्लगइन नहीं डाल सकते हो, जो कि एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, कंसिडरिंग कि अगर आपको यहाँ पर फाइन ट्यून करना हो तो वो सब आप लोग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कैश प्लगइन यूज़ करना नहीं आता है, तो फिर ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। सो इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स, बट अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो फिर शायद से आपको ये पसंद नहीं आएगा। डेटा सेंटर्स की बात करूँ तो यूएस में इसके डेटा सेंटर्स है, बाकी कहीं और पे नहीं है। डोमेन नेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम नहीं देखने को मिलता है, टेम्प्रेरी डोमेन नेम आपको मिल जाता है, जैसे फिलहाल के लिए तो ये वाला मेरा डोमेन नेम है, बट मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ और इनका एक यहाँ पे टेम्प्रेरी डोमेन नेम मिलता है, मैं इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। पहले अगर आपको यहाँ पे ईजी डब्ल्यू पी यूज़ करना था तो उसके लिए आपके पास जो डोमेन होना चाहिए था वो नेमचीप के ऊपर ही होना चाहिए था, बट अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप लोग अपना डोमेन नेम गोडाडी के ऊपर भी रख सकते हो और ईजी डब्ल्यू पी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अब ऐसा यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। SSL की बात करूँ तो यहाँ पर SSL आपको मेरे जो स्टार्टर प्लान है, जो मेरे पास जो प्लान है, उस पर नहीं मिलेगा, मैं प्लान्स के बारे में अभी और आगे बात करूँगा। CDN की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन मेरे वाले प्लान पे CDN नहीं है, लेकिन यहाँ पे CDN आपको देखने को मिलता है, फ्री CDN है, सुपरसोनिक CDN आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आएँ तो यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको दिखेगी कि ये सिर्फ उन्हीं डोमेन्स के लिए अवेलेबल है जो कि नेमचीप के ऊपर होस्टेड है, या फिर थर्ड पार्टी डोमेन नेम्स अगर वो फ्री DNS यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपके नेमचीप वाले डोमेन्स है तो ही आपको सुपरसोनिक CDN मिलेगा। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस सुपरसोनिक CDN के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, सुपरसोनिक CDN अभी बीटा में ही है, मीन्स उससे बेटर है कि यहाँ पर आप लोग क्लाउड फ्लेयर CDN ही यूज़ कर लो। बैकअप्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैकअप्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक बैकअप्स नहीं है, यहाँ पर मैनुअल बैकअप्स ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कि यहाँ पर मैं क्रिएट बैकअप पे क्लिक करूँगा तभी बैकअप यहाँ पे बनेगा, और अगर मुझे रिस्टोर करना है तो रिस्टोर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक बैकअप्स नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिक्योरिटी वाइज। ऑटोमेटिक बैकअप होना आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी हो गया कि एटलीस्ट आप पिछले 7 दिन के ऑटोमेटिक बैकअप्स तो दो। सपोर्ट की बात करें तो इनका लाइव चैट सपोर्ट फास्ट है, लेकिन सपोर्ट क्वालिटी जो इनकी होस्टिंग के ऊपर है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, डोमेन वाली फिर भी अच्छी है, लेकिन इनका जो होस्टिंग सपोर्ट है, होस्टिंग नॉलेज है, वो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगा है। इनोड काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इनोड काउंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है। एंड इससे पहले यहाँ पे मैं प्राइसिंग पे आऊँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि नेमचीप ने या फिर ईजी डब्ल्यू पी ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है, जो भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो यहाँ पर मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए, इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा, जो भी बेस्ट बाय लिंक रहेगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके, थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं, वैसे तो यहाँ पर आपको इसके काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा आपको उसके बारे में अपने डी न्यूज़ के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू। एट प्रेजेंट जो इनका डिस्काउंट है वो ये रहा, 23% आपको पहले ईयर पे मिल जाएगा। तो एट प्रेजेंट जो इसकी प्राइसिंग है, ये पहले ईजी डब्ल्यू पी स्टार्टर जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरे जिस पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो यही है, ये आपको अराउंड 1700 का मिलेगा, ये 3354 का, ये 3727 का। डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे विजिटर्स का है, ज़्यादा CPU RAM का है, आई थिंक यहाँ पर आपको अपटाइम ज़्यादा मिलेगा और प्लस लोड हैंडलिंग भी यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगी अगर हम लोग इनके सुपरसोनिक वाले प्लान पे जाएंगे तो। और यहाँ पर आपको इनके मनी बैक के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट मंथ यहाँ पर फ्री मिलेगा आपको, लेकिन बेसिकली ये 30 डे का फ्री ट्रायल है, जो आपको 30 दिन से पहले कैंसिल करना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने कैंसिल नहीं किया तो फिर वो अगले महीने से ये जो पेमेंट है वो काट लेगा। पेमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड का आप लोग यूज़ कर सकते हो, पेपाल का भी ऑप्शन है। माइग्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट को लोग फ्री में माइग्रेट करके दे देंगे आपको, माइग्रेट टू ईजी डब्ल्यू पी पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी अपने वर्डप्रेस की, एंड देन इनकी टीम उसको माइग्रेट करके दे देगी। साइट बिल्डर की बात करूँ तो कोई साइट बिल्डर यहाँ पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही है, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है नोड जेएस पाइथन का, ये अगेन सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब इससे पहले यहाँ पर मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। तो अगर मैं प्रोज के बारे में बात करूँ तो ये अफोर्डेबल है, जो इसकी प्राइसिंग है दैट इज़ अफोर्डेबल, जो इसकी स्पीड्स है US में खास करके वो काफ़ी अच्छी है, easy to use है, it is one of the most easiest WordPress hosting website that I have ever used. WordPress managed hosting जितनी आसान ये है उतनी शायद से कोई और नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक जितना मैंने देखा है। WordPress optimized है, ये बनाई WordPress के लिए गई है तो WordPress optimized है ये।
अब अगर मैं इसके यहाँ पर कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा इसका ये कॉन है कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक ही वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। डजेंट मैटर आप लोग कोई भी प्लान ले लो, सिर्फ एक ही वेबसाइट को यहाँ पर आप लोग होस्ट कर सकते हो, दो वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकते हो। सो ये इसका यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन है। अगला कॉन है इसकी लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। जो मेरा प्लान था वो बिल्कुल भी यहाँ पर लोड को हैंडल नहीं कर पा रहा था। CDN है लेकिन CDN सिर्फ नेमचीप डोमेन्स के लिए है। यहाँ पर और कोई कैश प्लगइन्स को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो इनकी तरफ से मिलेगा सिर्फ उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। और जो बैकअप ऑप्शन है वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर कि सिर्फ मैनुअली ही ले सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू बॉटम लाइन, EasyWP यहाँ पर काफ़ी ईजी है यूज़ करना, एज द नेम सजेस्ट ईजी वर्डप्रेस। तो यहाँ पर इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स शायद से आपको मिसिंग भी लगेंगे अगर आप लोग किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से आ रहे हो तो, क्योंकि ईजी है तो अगर वो लोग फीचर्स यहाँ पे दे देंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ईजी बनाने के लिए ही उन्होंने उसको इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया कि बिगनर्स यहाँ पे काफ़ी ईजिली आकर के काम कर सके। सिर्फ दो क्लिक करो, देन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेज करो, बाकी और कोई हेडेक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ईजी है लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस कम आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं EasyWP को तब रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे US से, अगर आपको ईजी टू यूज़ होस्टिंग चाहिए, अगर आपको स्पीड चाहिए और अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाली है, और अगर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करना है तो ही आप लोग EasyWP की तरफ जाएं। वरना दूसरे भी अच्छे ऑप्शंस हैं जैसे कि होस्टिंगर, होस्टरमाडा, E2, केमी क्लाउड, फास्ट कॉमेंट, वो सब इससे अच्छे ऑप्शंस हैं, उन सब की तरफ आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।